at Bandaneg International Airport, Colombo. अच्छी बीच है और यहाँ पे बहुत दूर दूर तक देखा जा सकता है, आबादी है और हाईएस्ट पीक है ये यहाँ पे लाइट हाउस जो है इसका लाइट हाउस इट्स अ टनल इनसाइड द टेंपल इन मातरा इट्स अ ब्यूटीफुल टनल tunnel. Oh.
यहाँ पे हम एला सिटी से यहाँ पे एक हाइकिंग ट्रैक आता है अबाउट लाइक 12 किलोमीटर बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बट इन्जॉय करता है बंदा तकरीबन डेढ़ घंटे में जो है वो इस ट्रैक पे आ जाता है और ये टॉप ऑफ ये पीक है यहाँ पे बिल्कुल और यहाँ से बिल्कुल छोटी छोटे आप देख सकते हैं घर नज़र आ रहे हैं और बड़ी टॉप पे है ये इसका मैं बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल हाइकिंग ट्रैक जो है वो हमारे पाकिस्तान में जो मुश्कपुरी का हाइकिंग ट्रैक कह सकते हैं ब्यूटीफुल हाइकिंग ट्रैक है और यहाँ पे मेरन जानी जो है उसका जो हाइकिंग ट्रैक है वो उस तरह का ये ट्रैक है और बड़ा बड़ा ज़बरदस्त है ये ट्रैक और यहाँ पे अभी तो खैर शाम होगी इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है सबको यहाँ पे दावत देता हूँ कि आप आएँ और इस ब्यूटीफुल जगह को एक्सप्लोर करें श्रीलंका बहुत खूबसूरत जगह है आप बीचेस पे जाएँ वहाँ पे अलग यहाँ पे हर वेदर आपको मिलेगा हर किस्म का अभी यहाँ पे मरी वाला वेदर है मेरे ख्याल में यहाँ पे 18 डिग्रीज या 20 डिग्रीज है और यहाँ पे अभी ठंड भी फील कर रहे हैं अभी रात का टाइम है फिर हमें वापस भी जाना है क्योंकि डार्क हो जाएगा और यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह भी होते हैं रात के टाइम पे नोवर एलिया जो है वाटरफॉल्स के उसमें काफी ज्यादा जो है वो खूबसूरत है मौजूद हैं दुनिया के खूबसूरत सियाती मुल्क श्रीलंका में मैं आपको बताता चलूं कि श्रीलंका के 9 प्रोविंस हैं और 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये खूबसूरत मुल्क जो है खासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे श्रीलंकन लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों से निहायत प्यार करते हैं और हमेशा उनको कहते रहते हैं कि हमारा खूबसूरत मुल्क विज़िट करें और यहाँ पर आएँ अभी हम मौजूद हैं नोवर एलिया जो है वो यहाँ पर मशहूर है आबशारों के कुदरती आबशार यहाँ पे वाटरफॉल्स जो हैं और यहाँ पे हर तरफ पानी है हमारे साथ कुछ लोकल मौजूद हैं हम उनसे पूछते हैं कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे Yeah,
So this is an open invite for you all to visit Sri Lanka, and we love Pakistan and we respect them. So once I warmly invite you all to come and enjoy and visit Sri Lanka. Thank you. इस ये बिल्कुल एक जन्नत नजीर वादी है मरी की तरह, जहाँ पे हर किस्म का आपको यहाँ पे फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। दिखाऊंगा कैमरा वहाँ पे अंदर यूज नहीं कर सकते, जो हम लोगों का मुसलमानों का सीधा है, जो मुसलमानों के जो ये उलमा है वो कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का फुटप्रिंट है, लेकिन जाके देखते हैं। हमने ट्रैक शुरू कर दिया है और ये रास्ते जगह जगह पे मंदिर हैं और खूबसूरत वाटरफॉल्स भी आप देख सकते हैं। हम टॉप पे चढ़ेंगे, 5-6 हज़ार स्टेप जो हैं वो यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फुटप्रिंट को देखने के लिए हमें तय करने पड़ेंगे। असल हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो कदम मुबारक है ये मैं नहीं कहता, ये जितने उलमाए कराम है पूरी दुनिया में वो कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब उतारा था यहाँ पे तो उनका फुटप्रिंट जो है ये रह गया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का फुटप्रिंट देखते हुए रास्ते में जो है ये स्लीपिंग बुद्धा है, ये स्लीपिंग बुद्धा है और यहाँ पे ये प्रीस्ट करने के लिए यहाँ पे उनकी इबादत करने के लिए आते हैं, तो ये स्लीपिंग बुद्धा आप देख सकते हैं। आदम की चोटी यानी एडम्स पीक पर हम जा रहे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल्स हैं। देखिए कितनी खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं, ये पूरा एरिया वाटरफॉल से भरा हुआ है। जाते हुए फ्रेंड्स देख सकते हैं एक और कोई वाटरफॉल आई है, बहुत बड़ी ब्रिज पे है अभी हम, ये देखें पानी यहाँ से कैसे गुजर रहा है स्पीड में, बहुत ही खूबसूरत इंतहा का खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत श्रीलंका है। और जो भी बंदा आए वो एडम्स पीक ज़रूर आए, ब्यूटिफुल प्लेस। ये सीढ़ियाँ तय करके ऐसी सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट सारी 5-6 हज़ार स्टेप्स हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फुटप्रिंट को देखने के लिए हम ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। इधर जो आदम की चोटी है उस पर मौजूद हैं, 6 हज़ार जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ के हम इस दुश्वार रास्ते पर आए हैं। जब अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में उतारा था तो पहला फुटप्रिंट इनका श्रीलंका में सीरी पड़ा था, इसे लंकन कहते हैं लेकिन आदम की चोटी हम इसको कहते हैं। यहाँ पे हम मौजूद हैं और 6 हज़ार स्टेप्स हम चढ़ के इस दुश्वार गुजार रास्ते पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ज़्यारत। Oh, 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 oh
जिसमें दुनिया के बहुत यूनिक पत्थर यहाँ पे हैं, और ये चीज़ भी कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पत्थर जो हैं वो इस म्यूज़ियम में हैं। यहाँ पे पुराने तरीन जो हैं इधर पत्थर हैं, और ये दुनिया की तकरीबन रेयर तरीन क्वालिटी है पत्थरों की, जहाँ से जिस वक्त अभी हम यहाँ से आपसे बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे तकरीबन आज से 150-200 साल पुराने जो हैं वो पत्थर वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इतने पुराने पत्थर जो हैं वो दुनिया में कम ही मिलते हैं। Thank you.
जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम दुनिया के खूबसूरत सियाती मुल्क श्रीलंका में मौजूद हैं। अभी हम श्रीलंका के जो कैपिटल सिटी है कोलंबो, वहाँ पे बेरा लेक है जो बड़ी खूबसूरत लेक है, उसके बिल्कुल दरमियान में हम मौजूद हैं। इन दिनों श्रीलंका को, श्रीलंका में आने वाले सियाहों की खासी तादाद जो है वो दुनिया भर से इटली, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड और खसूसन मैं जिक्र करना चाहूँगा कि चाइना के काफ़ी बड़ी तादाद लोगों की जो है वो सियाहों को यहाँ पे मौजूद है। बेरा लेक का दरमियान है यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत लेक है और इस लेक के दरमियान में यहाँ पे इनका बुद्धिस्ट टेंपल मौजूद है जो बहुत पुराना, जिसका बताया जाता है 150 साल पुराना टेंपल वो है। और यहाँ पे एक दरमियान में पार्क भी इस लेक के बना हुआ है जहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट और ख़ासकर मुकामी लोग जो हैं आके यहाँ पे इंजॉय करते हैं। खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं और कोलंबो बड़ी खूबसूरत जगह है श्रीलंका की। बेरा लेक का दरमियान है यहाँ पे और यहाँ पे आने के लिए आपको बोट चाहिए होती है जिससे आप पैडल के ज़रिए आप आराम से यहाँ पे आप आते हैं और बड़ा अच्छा खुशगवार किस्म का यहाँ पे एक आपको एहसास होता है। बड़ी खूबसूरत जगह है। और खासी तादाद इन दिनों में सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ पे बेरा लेक पे इंजॉय करने के लिए आ रही है और यहाँ पे नोवेरेलिया और दीगर जो इनके तफरी मकामात हैं यहाँ पे वो जा रहे हैं। We'll be right back.